तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए शुएब का टेक चैनल को, इस बाजू में दबाए इस घंटे को हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, ये है मारुति 800। इसका जो हेड है मैं ओवरऑल करने वाला हूँ। फ्रेंड्स देख सकते हैं, इसका जो हेड है मैं खोल चुका हूँ। इसकी हेड गैसकेट रिप्लेस करके मैं हेड का काम करा के लाया हूँ इसका। ये रहा है इसका हेड, देख सकते हैं। आप देख सकते होंगे इसका जो सरफेस है, इसको क्लीन से काम कर चुके हैं। यहाँ भी इसके दो डॉगल आते हैं, दो पिन आते हैं इसके, इसलिए हेड गैसकेट बैठेंगे। आप देख सकते होंगे ये रहा इसका ऑयल होल। आप उसमें चेक कर लेना होगा, मेन बात ऑयल होल आप फर्स्ट इसमें चेक करना होगा आपको। ब्लैक ब्लैक जो नहीं है वो चेक करके आपको ब्लैक का ऑयल होल चेक करके आपको उसको क्लीन करके हेड गैसकेट डाल के नेक्स्ट इसका जो हेड है इंस्टॉल करेंगे। देख सकते हैं ये रहा इसका इनटेक मैनिफोल्ड, इसकी पैकिंग। नेक्स्ट इसको जो इनटेक एग्जॉस्ट है सब में इंस्टॉल करूँगा, आपको दिखाता हूँ कैसा मैं इंस्टॉल करूँगा। पूरा तो बिठा दूँगा मैं, आपको वीडियो आपको लंबा हो जाएगा, आपको दिखाता हूँ सलीस। आप ही कर सकते हैं इसमें, बहुत सलीस होता है आपको, तो ईजी काम है, ऐसा कोई टफ नहीं है। हेड का काम इसमें आप ही कर सकते होंगे। इसमें इंटेक होता है टाइट हेड के, बोल जाते हैं आपको इसके जो टैपेट होते हैं, टैपेट एक एडजस्ट कर देंगे आपको। नेक्स्ट जो है पूरा इंस्टॉल करूँगा, गैसकेट है ये इंस्टॉल करूँगा मैं। फ्रेंड्स हम नेक्स्ट इसके जो हेड गैसकेट है वो इंस्टॉल करेंगे। आप देख सकते होंगे, आपको देखना होगा आपको यहाँ पे ऑयल होल है, मैंने ऑयल होल देख के आपको हेड गैसकेट में सेंटर करूँगा। यहाँ पे एक ऑयल होल है, देख सकते हैं ऑयल होल का हेड गैसकेट में होल है, देख सकते हैं। आपको ऐसा इसको सेंटर कर लेना होगा। देख सकते होंगे यहाँ पे टॉप को भी दिया होगा आपको। तो फ्रेंड्स आप देख सकते होंगे मैं सारे फिटिंग कर चुका हूँ इसका। इनटेक मैनिफोल्ड आपको 10 mm के 6 बोल्ट आते हैं आपको, देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे दो बंद है, देख सकते हैं। इसका एग्जॉस्ट भी इंस्टॉल कर चुका हूँ, इसका डिस्ट्रीब्यूटर भी मैं फिट कर चुका हूँ। देख सकते हैं इसके पैकिंग सब नए इंस्टॉल, एक फर्स्ट बार आप इसको निकालेंगे तो पैकिंग सब कट जाएगी, इसीलिए हम ये पैकिंग सब इंस्टॉल करूँगा। आप देख सकते होंगे इनटेक मैनिफोल्ड, डिस्ट्रीब्यूटर, एग्जॉस्ट सब देख सकते हैं। इसके कैम की सील भी इंस्टॉल कर चुका हूँ। जो नेक्स्ट है इसमें जो हेड है इंस्टॉल करूँगा, दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स आप देख सकते होंगे यहाँ पे इसका ये ऑयल होल है, जब मैं बोर में आपको दिखाया था जो ऑयल होल है, आपको हेड गैसकेट सेंटर रख के आपको इसको इंस्टॉल करना होगा। आप देख सकते होंगे इसमें जो आपको टॉप दिया है वो इसमें उल्टा रख के इंस्टॉल करना होगा। देख सकते होंगे आपको ऐसा रखना होगा, इसमें जो टॉप है वो आपको उल्टा रखेंगे, वहाँ पे रखेंगे तो आपको स्ट्राइट आएगा, यहाँ पे आपको उल्टा रख के आपको ये हाई लेवल स्टैंड रख के नेक्स्ट इंस्टॉल कर देना होगा आपको। देख सकते होंगे यहाँ पे जो स्लीव है वो वहाँ पे बोर में लॉक होंगे, ये वाले स्लीव में लॉक होंगे आपको। हेड गैसकेट से होकर थोड़ा सा ऑयल लगा के उसका नेक्स्ट हेड गैसकेट हेड है जो इंस्टॉल करेंगे आपको। तो फ्रेंड्स आप देख सकते होंगे इसका जो हेड है मैं इंस्टॉल कर चुका हूँ। देख इसके सारे हेड बोल्ट डाल चुका हूँ आपको दिखाने, देख सकते हैं 14 नंबर का एक हेड का बोल्ट आ गया है, सारे बोल्ट डाल चुका हूँ मैं। यहाँ पे आपको बोल्ट डालूंगा, इसको टाइट करूँगा।
तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टार्क क्रोम 16 है। देख सकते हैं कि यहाँ पे 16 रख के आप के हेड के बोल्ट का जो टार्क है पिस्टल करेंगे। इसमें देख सकते हैं जो एरो मार्क है इसमें आपके टेडिंग की तरफ आपको इसको इंस्टॉल करना होगा। सैंपल के लिए आपको एक दिखाता हूँ बोल्ट एड करके। देख सकते हैं ऐसा साउंड आना चाहिए आपको। ओवर ट्रेडिंग भी नहीं चाहिए, 16 रखेंगे तो बस है आपको। ऐसे ही सारे बोल्ट में ट्रेड कर दूंगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसकी क्रैंक की टाइमिंग है। एंट्री क्वार्टर पे लिखी गई यहाँ पे कुछ छोटा सा एक होल दिखेगा उस पर किसके गियर में रैम इसका तीर है तीर का निशान देखे आपको इसको सेंटर करना होगा। ये कैम क्रैंक कैम की तो दिखाया हूँ आप देख सकते हैं यहाँ पे तीर का निशान है। तीर का निशान आपको यहाँ पे इससे मैच करना होगा आपको। आपको शील्ड में आपको यहाँ पे तीर का निशान दिखेगा तो उसको दो को भी सेंटर रखेंगे। आपको नीचे नहीं दिखाएगा तो आपको कैम में से ऊपर को आपको दिखेगा ये मार्क आप शील्ड में आपको सेंटर कर सकते हैं। जो नेक्स्ट है जो इसकी टेनिंग बेल्ट है उसको। तो फ्रेंड्स हमने जो इसकी जो फर्स्ट लेंट पर जो टैपेट आते हैं वो टैपेट एडजस्ट कर दिए। आप देख सकते होंगे इसकी जो चार टैपेट एडजस्ट कर सकते हैं फर्स्ट लेंडर में। देख सकते हैं जो इंजिन है फर्स्ट सिलेंडर में इंजिन हम आपको अब हाफ इंजिन आपको फिराएंगे हम इसको हाफ इंजिन फिरा के आपको हम ये दो एडजस्ट करेंगे आपको ये दो एडजस्ट करेंगे हम आपको नेक्स्ट हाफ इंजिन आपको फ्लैग दिखा देंगे। आप देख सकते हो ये इसकी हाफ इंजिन यहाँ पे तो आप क्रैंक की तो सेंटर आएगी आप कैम के देख सकते हैं जो कैम की तीर है आपको नीचे की टेमिंग तरफ देखें ये रही हाफ इंजिन राउंडिंग। तीर का जैसा मार्ग दिखाया मैं अब ये रही हाफ इंजिन राउंडिंग। आप देख सकते होंगे ये जो है अब दो लूज हो चुके हैं ये सब चार टाइट हो चुके हैं अब ये दो लूज हो चुके हैं हम इसको दो एडजस्ट करेंगे तो हमारी टैपेट सेटिंग हो जाएगी। नेक्स्ट मेन आपको टैपेट सेट करना होगा नहीं तो आपको इसमें मिसिंग स्टार्ट होगी पिकअप का प्रॉब्लम आएगा। फ्रेंड्स आप देख सकते होंगे ये एक हमने दो हाफ इंजन सिलेंडर में हाफ इंजन फिरा के अपने ये दो कर दिए हैं। फर्स्ट सिलेंडर में आप देख सकते हैं चारों पे हमने लॉक हो चुके हैं थोड़े भी नहीं हट रहे हैं जो हाफ इंजन हम फिरा के इसको टैपेट एडजस्ट किए रहे हैं। देख सकते हैं जो टैपेट है इसका जो टैपेट है वो एडजस्ट हो चुके हैं। देख सकते हैं इसका टैपेट गेज हम इससे टैपेट गेज एडजस्ट कर सकते हैं ऐसा आपको स्क्रू ड्राइवर में रखे आपको यहाँ पे इस पर पॉइंट तो नहीं दिख रहा आपको दिखाने के लिए चारों आपको छः के छः भी आपको एडजस्ट करने हैं। ये इंजन है हाफ सिलेंडर में देख सकते हैं इसकी जो कैम की टाइमिंग है तीर का निशान जो है अंदर आने के लिए जो ऊपर क्या है सी एज है हाफ इंजन राउंडिंग हम इसको फर्स्ट सिलेंडर पर दोबारा ला देंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं फर्स्ट सिलेंडर जो तीर का निशान है आपको नीचे की तरफ चलेगा शील्ड की तरफ देख सकते हैं यहाँ पे जो लकीर है शील्ड में आपको अभी मैच होगी। अब ये रही इंजन फर्स्ट सिलेंडर में देख सकते हैं फर्स्ट सिलेंडर के अब ये लूज हो चुके हैं अब ये दो लॉक हो चुके हैं आपको ऐसे हाफ इंजन राउंड फिरा के आपको इसका सब टैप एडजस्ट करना है। देख सकते हैं इसका जो टैप है ये एडजस्ट हो चुका है इसमें मार्क कैसे पॉइंट तो नहीं इसमें दिखाने के लिए है।
तो फ्रेंड्स नेक्स्ट डे जो है इसका टाइमिंग कवर इंस्टॉल करके सारी फिटिंग कर दूंगा मैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि इसकी जो सारी फिटिंग कर चुका हूँ, नेक्स्ट डे जो इसका टैपेट कवर डालूंगा, अब एक डलको है, डलको एक इंस्टॉल करूँगा। देख सकते हैं एस्केलेटर की वायर, इसके फ्यूल इंजेक्टर की वायर, देख सकते हैं सारे कपर्स इंस्टॉल कर चुका हूँ। देख सकते हैं इसका टाइमिंग कवर भी डाल के मैं इसकी पुली भी डाल चुका हूँ। नेक्स्ट इसका जो डलको है आपको क्या डायरेक्शन में रख के इसको इंस्टॉल करना होगा, इसको फर्स्ट सिलेंडर पर, इंजन टॉप पे फर्स्ट सिलेंडर पर रखे। देख सकते हैं कि आप देख सकते हैं इसको जो फर्स्ट सिलेंडर आप इसको कैसे जान कर देख सकते हैं। ये जो मार्च है फर्स्ट सिलेंडर आपको मालूम नहीं होगा तो इसका जो डलको का कैप होता है आप देख सकते हैं, इसका डलको कैप आप जो रखे ऐसे आपको सेंटर के ध्यान से देख सकते होंगे, आपको पता नहीं चला तो देख सकते हैं। फर्स्ट की ब्लैक वायर है ये भी आपको ये सर को आपको सेंटर करना होगा। देख सकते होंगे सारे बोल्ट डाल के फिट करना, मेन आपको फर्स्ट सिलेंडर पे इंजन रख के आपको इसका जो डलको है इंस्टॉल करना होगा। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसका जो हेयर फिल्टर है सब इंस्टॉल कर चुके हैं, सारे पाइप इंस्टॉल कर चुके हैं। जो नेक्स्ट डे हम उसको गाड़ी स्टार्ट करके दिखाते हैं आपको। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं गाड़ी जो है स्टार्ट हो चुकी है, गाड़ी में कोई मिसिंग जर्किंग कोई प्रॉब्लम नहीं है। देख सकते हैं इंजन बहुत स्मूथ है, जो गाड़ी है परफेक्ट हो चुकी है। फ्रेंड्स इंजन है स्मूथ है।